क्या किया जाए? आइडिया गोन पर गिराता ओए तोते चैन, तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गड़बड़ हो गई, ये क्या हो गया? ओए पीको, चलो उठो और जल्दी से बादाम इकट्ठे करना शुरू कर दो, बहुत देर सो ली तुम। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे और मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई। बादाम इकट्ठे करो। ओए तोते चैन, तुम भी इकट्ठे करो। हाँ, पहले थोड़ा और गिरा लो। पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो जिद्दी पीको बन गई है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं एक जिद्दी गोल से अच्छा गोल बन गया। पीको फिर से गिराता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से सिद्धि कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए इसलिए मैं सिद्धि पीको से अच्छे पीको बन गई। पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो अच्छे पीको से सिद्धि पीको बन गई। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं सिद्धि कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से सिद्धि कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए और मैं सिद्धि पीको से अच्छे पीको बन गई। कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन सर पर पड़े तो दिमाग खराब भी हो जाता है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं सिद्धि कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब तुम दोनों बस भी करो। उस्ताद शिकारी का हेलमेट। अरे इस हेलमेट के होते हुए मुझे शिकार हाथ नहीं लगा, पहले तो इसकी बात ही अलग हुआ करती थी। उस समय तो मैंने इसे अच्छी तरह मंत्र फूंक कर तैयार किया था। मुझे लगता है कि इसमें अब भी कुछ ताकत बाकी है। बहुत भूख लगी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हेलमेट के होते हुए मुझे खाना नसीब क्यों नहीं हो रहा है। हमने जंगली तपीर का शिकार किया। सुनो, क्या तुम मुझे ये जंगली तपीर दे सकते हो? क्या, हम क्यों दे? तो हमने पकड़ा है। हमने, मुझे पता है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये लो। क्या, हेलमेट? लेकिन इस हेलमेट को तुम कोई मामूली हेलमेट समझने की गलती मत करना। इस हेलमेट में उस्ताद शिकारी का आशीर्वाद और उसकी सारी ताकतें हैं। अगर तुम इस कमाल के हेलमेट को पहनोगे तो तुम भी उस्ताद शिकारी बन जाओगे। सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची। तो आप क्यों नहीं इसे पहन लेते अंकल? क्या आप उस्ताद शिकारी नहीं बनना चाहते? मुझे पता है इसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें ताकत है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों का हेलमेट है। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही समझदार लगता है। अच्छा तो ये बात है, अगर ये बच्चों का हेलमेट है तो बच्चों को ही आएगा। पते की बात कही। नहीं तो लेकिन क्या आप ये काम की चीज जंगली तबीर के बदले दे देंगे उस्ताद? अगर मैं आसानी से मान गया तो हो सकता है कि इसे मुझ पर शक हो जाए। इतनी कीमती चीज मैं हर किसी को नहीं दे सकता। हाँ? कोई बात नहीं, ये पकड़ो। थैंक यू। अरे सुनो, चलो मेरा काम तो हो गया। हेलमेट किसी काम के नहीं, बेकार। लगता है आज शिकार खुद ही करना पड़ेगा। सुनो, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे को हेलमेट दिया था? निकल लो। भाग कर रहे तुम? हाँ, दिया तो था। मेरे बेटे का नाम गॉन है और उसके मुंह से मैं तुम्हारे हेलमेट की सारी कहानी सुन चुका हूँ, समझे तुम? तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मैं सब जानता हूँ। अगर बच्चों के सर का उस्ताद शिकारी का हेलमेट है तो बड़ों के सर का भी होगा। लेकिन वो हेलमेट तो नकली है, मैं जानता हूँ। उसने तुम दोनों को उल्लू बना दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सच है। उस उस्ताद ने मुझसे कहा था कि इस हेलमेट को पहनकर मैं उस्ताद शिकारी बन जाऊंगा। बहुत ही अच्छा जोक था। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। मैं शिकार लाया अब्बा। चलो 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 चलो। एक और शिकार लाया। चलो 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 चलो। एक और शिकार लाया। एक और शिकार लाया।
चलो 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 चलो। अप्पा हमने बड़ा शिकार लाया। ये तो मेहमत को भी पकड़ लाया और मैं अपने बेटे के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गया। प्लीज मुझे भी एक उस्ताद शिकारी का हेलमेट दे दो ना, ताकि मैं भी उस्ताद शिकारी बन जाऊं और हर बार शिकार करके लाऊं। मुझे पता नहीं था लोग इतने बेवकूफ होते हैं। तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हेलमेट के लिए मुझे बहुत मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और इसमें बहुत खर्चा भी आएगा। मुझे बस हेलमेट चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे हेलमेट दे दो। जय हो हेलमेट के एजेंट, दिखा दो अपना कमाल और मचा दो धमाल। बम बम चिकम, पूजा पूरी हो गई। बम बम चिकम, बीच में टांग मत अड़ाओ, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम। अरे वाह मच गया धमाल। अरे वाह, अब देखो मेरा कमाल। अब तो नहीं बचेगा। अरे ये क्या चक्कर है, मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकी थी, फिर ये मछली का कांटा कैसे बन गया? देख लिया टांग लाने का नतीजा क्या होता है। लगता है उस्ताद शिकारी की जगह तुम्हें मछली पकड़ने के शिकारी का आशीर्वाद मिल गया है। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, चिकबम 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 चिकबम। बस अब देखो मेरा कमाल, अब तो नहीं बचेगा। ये ले, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता है इस बार खेती करने वाले उस्ताद का आशीर्वाद मिल गया है। बम चिकबम बम बम, इस बार कोई गलती मत करना। तुम्हारी गलती की वजह से मैं शिकार करने की बजाय खुद शिकार होते होते बचाऊं। पता है, टेंशन मत दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल, अब कोना पकड़ कर बैठ जाओ। बम चिकबम चिकबम चिकबम, बम चिकबम चिकबम चिकबम, बम चिकबम चिकबम। हो गया, इस बार हेलमेट अपना कमाल जरूर दिखाएगा। अब मचेगा धमाल, लेकिन इस बार इससे पहले तुम पहनोगे। क्या मैं पहनूं? हाँ, इससे पहले तुम पहनोगे ताकि मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो। अगर इस हेलमेट ने काम नहीं किया तो मेरी पोल खुल जाएगी। अगर इस बार इसने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ, इस बार ये अपना कमाल जरूर करके दिखाएगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब मैं मेहमत के बच्चे, तू तो गया। चम्मा 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 चम्मा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस बार हेलमेट को उस्ताद शिकारी का नहीं बल्कि डांस मास्टर का आशीर्वाद मिला है। चम्मा चम्मा, ये मुझे क्या हो गया अम्मा? लगता है कि आशीर्वाद काफी तगड़ा है, क्योंकि उसके साथ साथ मेहमत भी नाच रहा है। अरे अप्पा नाच क्यों रहे हैं? मैं नाच नहीं रहा हूँ, नचाया जा रहा हूँ। चम्मा चम्मा, कहाँ है कौन की अम्मा? बहुत दूर की सोच। ये अभी अभी यहाँ क्या हुआ था? कौन है? बाजू 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 बाजू। वो अंकल क्या कर रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है तोते से। मुझे भी। बाजू 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 बाजू। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़े थे? कितनी खतरनाक जगह है ये। ये जगह कब से खतरनाक हो गई? और अब ये बताओ कि आप खुले मैदान में इतने तेज क्यों भाग रहे थे? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इतनी तेज भागने की कोई तो वजह होगी। क्या आप किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे या बचकर भाग रहे थे? ना तो मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ना ही मैं किसी को पकड़ रहा था। तो फिर? मैं इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या, इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश? ताकत क्या होती है? क्या तुम्हें नहीं पता, इंसान धरती पर सबसे कमजोर जानवर होता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। आपके हिसाब से इंसान इतना कमजोर होता है तो वो मेहमत को कैसे पकड़ पाता है? बताओ। वो एक अलग कहानी है।
देखो इंसान मेहमत को पकड़ने में इसलिए कामयाब होता है क्योंकि वो चालाकी से काम करता है। ताकत की बात की जाए तो मेहमत इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे तैरने के मामले में मछली इंसान से ज्यादा तेज तैरती है। पंछी उड़ सकते हैं लेकिन इंसान उड़ नहीं सकता। इंसान शेर से तेज नहीं भाग सकता। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ भी करे हमें क्या? बहुत फर्क पड़ता है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे? वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शेर से ज्यादा तेज भागना चाहता हूँ। फिर मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मेहमत से ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि उसके बाद जो मेरा बच्चा होगा उसमें मेहमत से ज्यादा ताकत होगी और शेर से ज्यादा रफ्तार होगी। फिर वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मछली से ज्यादा तेज तैरती होगी और फिर उसका जो बच्चा होगा उसमें मेहमत से ज्यादा ताकत होगी, शेर से ज्यादा रफ्तार होगी और वो तैरने में भी मछली से तेज होगा और इस तरह आखिर में इंसान जानवर से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। समझ गए ना कि मैं शेर से ज्यादा तेज क्यों दौड़ना चाहता हूँ? कमाल है, आप तो बहुत दूर तक के सोचते हो। लो कर लो बात। क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। समझ गए ना कि इंसान का भविष्य तेज दौड़ने पर टिका हुआ है। वैसे सच कहूँ तो मैं अभी कुछ समझ नहीं पाया। मैं भी नहीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम समझोगे भी नहीं क्योंकि तुम एक मामूली आदमी के बेटे हो। चलता हूँ। रुको अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त तो मैं शेर को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे क्या? मैं हर रोज शेर से झगड़ा मोल लेता हूँ ताकि मैं अपनी सेहत को फिट फाट रख सकूँ। लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। शेर बुरा मान गया तो? मैं ये पत्थर फेंक कर शेर को लड़ने के लिए उकसाता हूँ। ये देखो। होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो आदमी शेर का शिकार करना चाहता था वो तुम्हारे अप्पा हैं। वो तो सच में बहुत तेज भागते हैं। मुझे ये सीखना पड़ेगा। वाह क्या बात है। अप्पा ऐसी जगह क्यों सो रहे हैं? उन्हें क्या हो गया है? इसमें बहुत खतरा है। आजा, सीधे चलते चले आजा। अब देखना मैं यहाँ क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे अप्पा को बचाने के लिए उस शेर को अपनी तरफ बुलाऊंगा और फिर मैं उससे दो दो हाथ करूँगा। ओए शेर दे पुत्र, इधर आ। ये ले। लगता है वो अपने लिए मुसीबत को खुद बुला रहे हैं। अब मैं नहीं बचूंगा। अप्पा शेर से तेज भागकर बच जाए। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा काम हो जाएगा। अब मेरा काम बन जाएगा क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। पता नहीं वो क्या बोलते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पागल हुआ है। मैं शेर को पकड़ने ही वाला था। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आ गया और मेरे किए धरे पर पानी फेर गया। तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम फिर आ गए। मेरे साथ दौड़ने में मुकाबला करो। लेकिन जब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं तो तुमसे मुकाबला क्यों करूँ? मानव जाति के भविष्य के खातिर। मानव जाति के भविष्य की खातिर ये है लाइन।
चलो शुरू करो, भागो। मैं जीत गया। शेर से ज्यादा तेज दौड़ने वाले को मैंने हरा दिया। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मैं हूँ नंबर वन। मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। अब्बा, आप ठीक तो है ना? वो आदमी किस बारे में बात कर रहा था? पता नहीं, लेकिन अब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया है। लगता तो है अब्बा। हमें भी खाना खिला दो। ला 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 ला। ये तो भी नहीं पकी, इसे थोड़ा और वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा और पकाती हूँ। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं इन तीनों को टेस्टी खाना खिला के ही रहूँगी। हम बहुत थक गए, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। चूहे पेट में डांडिया कर रहे हैं। गान की अम्मा, खाना तैयार हो गया? बस होने ही वाला है, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब कितना? ज्यादा नहीं, बस एक घंटा और। हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम कुछ खास डिश मत बनाओ, बस जो है वही दे दो, है ना? मेरे खाना थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, करते हैं। मैं इससे जल्दी खाना नहीं बना सकती। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद जाकर बना लो, जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया? अप्पा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसा है तो हमें खुद ही खाने का इंतजाम करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए बहुत चलना पड़ेगा। खाना बना है और फिर मजे से खाना है। हमने डाल दी है हड्डियाँ और पत्तियाँ और थोड़ा सा नमक डाल दिया। लाजवाब खाना दिल हो गया दीवाना। हम असली चीज डालना तो भूल ही गए थे। चलो इसमें थोड़ी मछली भी डाल देते हैं, और अब आखिर में थोड़ा सा पानी भी मिला दे। खाना होगा तैयार, जो बनेगा मजेदार, जिसे खाएंगे हम तैयार। चलो शुरू करो। हम फिर नाकाम रहे, हम फिर कभी खाना नहीं बनाएंगे। लगता है खाना बनाने में हमसे कोई चूक हो गई। असल में हम तीनों में खाना बनाने की अक्ल ही नहीं है। सुनो, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम खाना कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे बनाएंगे? चलो एक काम करते हैं, अब हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हमारे खाना बनाए। बताओ तो सही, सूप कैसा बना है? मेरी बात सुनो, गया सूप पीते रहोगे? शोर मत करो, मैं सूप का स्वाद चख रहा था। आ? जिसे तुम सूप कह रही हो ना, उसमें कोई स्वाद नहीं है। क्या कहा, स्वाद नहीं है? अब तुम्हें क्या हो गया? जब मेरे हाथ की कोई चीज तुम्हें पसंद ही नहीं आती है तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे सुनो, रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई। तुमने देखा क्या? देखा, देखा। मेरा खाना पसंद नहीं आता है। मुझे कहाँ ले? हम एक खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे थे और अचानक तुम टपक पड़ी। खाना, खाना। आखिर हम पहुंच ही गए। क्या कहा अम्मा, घर छोड़कर चली गई? असल में हमारी खाने को लेकर लड़ाई हो गई थी। मुझे पता है आपने खाने की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए गुस्से में आके चली गई होंगी। अब मैं क्या करूं? कर भी क्या सकते हैं, उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा। अम्मा, बड़ी अम्मा जी। अम्मा, अम्मा बड़ी कहा अम्मा जी। कहा दादी हो अम्मा? चलो हमारे लिए खाना बनाओ। बनाओ। लेकिन खाना बनाने का सामान कहाँ है? हमने खाना बनाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए अब कुछ नहीं बचा। नहीं बचा। जल्दी से खाना बनाने का सामान लेकर आओ। दादी माँ, बड़ी अम्मा जी। अम्मा, दादी माँ, बड़ी अम्मा जी। अम्मा,
अरे अम्मा ये क्या, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खाना बनाने में इनकी मदद कर रही हूँ। पहले हमारी मदद कीजिए, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दीजिए। खाना, मुझे तो कोई भी सामान नजर नहीं आता। अरे तुम कहाँ चली गई? वहाँ अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। अरे काम बन गया, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। अरे काम बन गया, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। हमारा सारा सामान कहाँ चला गया? जिसने भी चुराया है उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ चली गई वो? चलो उसे जल्दी ढूंढ कर लाते हैं। मिल गया, मजा आ गया। मिल गई। अब सामान कहाँ गया? हो गया। अम्मा फिर कहाँ चली गई? फिर चली गई। क्या क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो, मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया है। कैसा शानदार आइडिया? हम इसे हर जगह साथ लेकर जाएंगे। चलो, ले चलो। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। कौन सा आइडिया अप्पा? हम सामान को हर जगह साथ ले जाएंगे। आपका जवाब नहीं अप्पा। अप्पा, मैं बहुत थक गया। मैं भी बहुत थक गया, लेकिन हमें अम्मा को ढूंढना होगा। चलो चलते हैं अम्मा को ढूंढने के लिए। हम तो बहुत थक गए। जब हम पागलों की तरह भागते रहेंगे तो और क्या होगा? तुम लोग सामान ला रहे हो या मैं जाऊँ? ला तो रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, समझी? मुझे ऑर्डर देने के बजाय जल्दी से सामान लेकर आओ। लोग मुझे खाना बनाने के लिए घर से लेकर आते हैं, और एक वो है, मेरा खाना पसंद नहीं आता। मुझे गलती हो गई। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आज तुम्हारे खाने में वो बात नहीं है, क्योंकि खाना तो तुम हमेशा अच्छा बनाती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर कभी ऐसा मत करना। कभी नहीं करूँगा। दादी माँ, दादाजी, क्या आपको पता है कि गौन और अप्पा कहाँ गए हैं? मुझे तो नहीं पता बेटी। अरे ये क्या है? ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। वो देखिए, वहाँ खाने का कितना सारा सामान है। अरे हाँ, सच में हमें खाने के सामान को इस तरह फेंक कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम इसे ले जाके इस्तेमाल करते हैं। चलो चलो। इतना ढूंढने पर भी बड़ी अम्मा जी नहीं मिली। इतना ढूंढने पर भी हमें सामान कहीं भी नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, मजा आ गया। लाजवाब खाना बनाया तुमने। बहुत जल्दी सुधर गए हो तुम। अगर वक्त पर खाना चाहिए तो तारीफ करना मत भूलना। बड़ा तारा प्लैनेट से टकराने वाला है। जिसके बारे में गौन और तोते चांद को बताना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। ये क्या था? मेरा कान फंस गया। अरे तारों के राजकुमार, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? गौन, तोते चांद, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्या हो गया? एक बहुत बड़ा तारा सीधे पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। बड़े तारे से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा तारा है। क्या वो मैमथ से भी बड़ा है? हाँ, वो बहुत बहुत बड़ा है। वो मैमथ से भी बड़ा है, ज्वालामुखी से भी बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है, असल में वो पूरे प्लैनेट से भी बड़ा है। वो बहुत 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 बड़ा तारा है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर वो बड़ा तारा हमारी धरती से टकरा गया तो हमारी धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर तो हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए अप्पा। इसलिए मेरी बात मानो और तुम सब मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। चलो जल्दी करो। लेकिन मैं तो सबके साथ इस पर नहीं आ पाऊंगा। असल में जब मैं नीचे आ रहा था तो मेरा तारा छोटा होता चला गया। मैं कोशिश करता हूँ।
गॉन हम ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे, हम तीन तक गिनेंगे और इस पर एक साथ चढ़ जाएंगे, ठीक है ना राजकुमार? हाँ, और फिर मैं फौरन आप सबको लेकर ऊपर उड़ जाऊंगा। एक दो, दो तीन तो चढ़ गए गॉन। जल्दी करो, चलो जल्दी उड़ो राजकुमार, चलो उड़ो। लगता है तारे पर वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद तुम सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी बिताना। अगर अप्पा नहीं चल रहे तो मैं भी नहीं चाहूंगी। हमने अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे अब कोई अफसोस नहीं है, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। गॉन की अम्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। अब तो पता चल गया ना, अब मत कहना कुछ भी। अगर अम्मा और अप्पा नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं पर उनके साथ रहूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम में से कोई नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हें पता है ना एक बहुत बड़ा तारा पृथ्वी से टकराने वाला है। तारों के राजकुमार, हम इस धरती पर पैदा होने वालों में सबसे पहले हैं, इसलिए हम इसके खत्म होने तक यही रहेंगे, है ना? बिल्कुल, हमारे दादा और परदादा यहीं पैदा हुए और यहीं पर रहे। यहाँ पर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हमने यहाँ अपना एक छोटा सा गांव बसाया और यहाँ एक बहुत ही सुंदर नदी भी बहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त है, रकून है और खरगोश भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी तो हैं। अच्छा यही रहेगा कि हम इसी प्लैनेट पर रहे तारों के राजकुमार। तुम सच कह रहे हो राजकुमार, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं तुम सबको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, हम सबको अपने साथ लेकर चलेंगे, रकून खरगोश शेर और हाथी सबको। मैं चाहता हूँ तुम सब जिंदा रहो। तोते चैन, जरा इस राजकुमार को पकड़ लो। ठीक है अप्पा। ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। ये तो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तोते चैन, छोड़ दो। ठीक है। तारों के राजकुमार, बाय बाय। अब ये प्लैनेट यहाँ पर नहीं रहेगा अप्पा। हमारे पास सुबह तक का समय है, चलो सोते हैं। हाँ ठीक कहा, हम सो जाएंगे। मैं भी। और मैं अपने सपने में वो सारी अच्छी चीजें देखूंगा जो अब तक हमारे साथ हुई है। गॉन की अम्मा, हाँ मुझे लगता है कि हमें गॉन को राजकुमार के साथ भेज देना चाहिए, इसी में इसकी भलाई है। ठीक कहा तुमने। ठीक रहेगा। बाय बाय गॉन। गॉन, हमेशा खुश रहना बेटा। सोते चैन, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? बाय गॉन। नहीं नहीं, हमेशा खुश रहना बेटे। मुझे बोलना नहीं। आखिर में बच ही गया।
अरे गॉन, तुम वापस कैसे आ गए? अचानक क्या हो गया तुम्हें? गॉन उस बड़े सितारे से टकराया